धरती पर डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, इस कहावत को दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने सच साबित किया है। एम्स के डॉक्टर्स ने 11 महीने की जुड़वा बच्चियों की सफल सर्जरी की है। ये जन्म से ही एक दूसरे से शरीर से जुड़ी हुई थी, ऐसे में उनको काफी ज्यादा परेशानी होती थी। डॉक्टर्स ने 9 घंटे तक चली सर्जरी के बाद दोनों बच्चियों को अलग किया है। इन दोनों बहनों का नाम रिद्धि और सिद्धि है और सर्जरी के बाद दोनों बच्चियां अब बिल्कुल स्वस्थ है। जब बच्चियां माँ के गर्भ में थी तभी 5वें महीने में ही यह पता चल गया था कि दोनों बच्चियां आपस में शरीर से जुड़ी हुई है। दिल्ली एम्स में ही दोनों बच्चियों को जन्म हुआ। जब दोनों 11 महीने की हो गई तब इन्हें अलग करने के लिए 11 जून को यह सर्जरी की गई। रिद्धि सिद्धि दोनों बहनों को एम्स में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स ने इनकी निगरानी की और तय किया था कि सही समय आने पर बच्चियों की सर्जरी की जाएगी। कई महीनों तक इनकी अलग अलग तरह की जांचें की गई जिसके बाद सर्जरी करने का फैसला किया गया। इस सर्जरी को एम्स के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के डॉक्टर्स की टीम के नेतृत्व में किया गया है। एम्स के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के HOD प्रोफेसर डॉक्टर मीनू वाजपेयी ने बताया कि ये बहनें पेट और छाती से जुड़ी हुई थी, इससे इन दोनों को चेहरा एक दूसरे के आमने सामने था। बच्चियों को करवट लेने और सोने में भी काफी ज्यादा दिक्कतें होती थी। इनके माता पिता को सर्जरी के बारे में बता दिया गया था। 11 महीने के दौरान कई अहम टेस्ट किए गए जिसमें पता चला कि इनके लीवर का एक हिस्सा दूसरे से जुड़ा हुआ है। हालांकि बच्चियों के हार्ट की कोई आर्टरी आपस में जुड़ी हुई नहीं थी, ऐसे में सर्जरी करने का प्लान किया गया। सर्जरी के दौरान इनके एक लीवर के हिस्से को अलग किया गया, इसके बाद छाती वाले एरिया को अलग किया गया। कुछ घंटे बच्चियों को निगरानी में रखा गया था। सर्जरी के बाद इनको कोई परेशानी नहीं हुई और अब ये बच्चियां बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं और अस्पताल से बच्चियों की छुट्टियां की गई है। रिद्धि सिद्धि की सफल सर्जरी के बाद उनके माता पिता अब काफी ज्यादा खुश हैं। इनके पिता अंकुर गुप्ता और माँ दीपिका उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं। पिता एक चप्पल की दुकान चलाते हैं। पिता अंकुर गुप्ता का कहना है कि एम्स के डॉक्टर ने उनकी दोनों बच्चियों को नया जीवन दान दिया है। वह अब काफी ज्यादा खुश हैं, उनकी बच्चियां बिल्कुल स्वस्थ हैं और डॉक्टर्स ने आगे फॉलोअप के लिए उन्हें बुलाया है।